इस वीडियो में रेलवे की नई भर्ती 2023 के बारे में और खास करके रेलवे की ओपन कैटेगरी वाली भर्ती के बारे में जिसका लंबे समय से छात्र इंतजार कर रहे हैं। देखिए अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा में दोस्तों काफी सारे सवाल रेलवे मंत्रालय से पूछे गए थे और ऑफिशियल डेटा दोस्तों निकल के हैं 2.61 लाख के आसपास डिफरेंट कैटेगरी की नॉन गजेटेड ग्रुप सी की पोस्ट यहां पर रेलवे में वैकेंट है। तो जोन वाइज डेटा यहां पर वैकेंसी का आ चुका है कि आखिर किस जोन में कितनी कितनी पोस्ट यहां पर वैकेंट है। ALP टेक्नीशियन के वेरियस पोस्ट, जूनियर इंजीनियर के वेरियस पोस्ट, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, NTPC नई वाली, ग्रुप डी नई वाली, RPF, SI कांस्टेबल, ये सारे पोस्ट पे दोस्तों आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी और जिस पे काफी सारे पोस्ट अभी वैकेंट बताए जा रहे हैं। तो बात करेंगे कि आखिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का क्या जवाब आया है, आखिर नई भर्ती कब तक दे सकते हैं, इसके ऊपर क्या रिप्लाई इन्होंने दिए हैं ऑफिशियली। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। अब देखिए ये रही फर्स्ट अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। लोकसभा में ये सवाल पूछे गए थे, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2237 है, इसका जवाब आ चुका है। फिलिंग अप वैकेंट पोस्ट यानी जितने भी रेलवे में वैकेंट पोस्ट है उसको कब फिल करना है और सारा कुछ डिटेल्स इस तरह से। यहां पे सवाल पूछे गए हैं रेलवे से, वेदर द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ द सीवियर स्टाफ शॉर्टेज फेस्ड बाय द इंडियन रेलवे। क्या गवर्नमेंट अवेयर है इस चीज से कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत काफी एकदम सीवियर शॉर्टेज है इंडियन रेलवे में यहां पे एम्प्लॉय की, विथ सेवरल गैजेटेड एंड मोर देन 3.12 लाख नॉन गजेटेड पोस्ट लाइंग वैकेंट अक्रॉस 18 जोन्स एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ जोन वाइज डिवीजन वाइज। क्या यहां पे 3.12 लाख के आसपास पोस्ट वैकेंट है गजेटेड नॉन गजेटेड को मिला के 18 जोन में, और अगर ऐसा है तो इसका जोन वाइज और डिवीजन वाइज ब्यौरा दीजिए। सेकंड सवाल था, वेदर द रेलवे हैज टेकन एनी मेजर्स टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन ऑल द जोन इंक्लूडिंग एर्नाकुलम केरला, यानी खास करके इस जगह के बारे में पूछे जा रहे हैं कि क्या यहां पे कुछ मेजर लिया गया, कुछ स्टेप लिया गया है कि इतने सारे स्टाफ शॉर्टेज है इसके रिगार्डिंग क्या करना है आगे। इसके बाद देखिए, वेदर द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड अ टाइमलाइन और टारगेट फॉर फिलिंग ऑल द वैकेंट पोस्ट एंड इफ सो द डिटेल्स देयर ऑफ एंड इफ नॉट द नंबर ऑफ गजेटेड नॉन गजेटेड पोस्ट लाइंग वैकेंट अक्रॉस द कंट्री जोन वाइज। ये बोले गए हैं कि क्या कोई ठोस कदम उठाए गए हैं, कोई टाइमलाइन फिक्स किया गया है कि आखिर इतने सारे वैकेंट पोस्ट है उसको भरेगी कब रेलवे, कब तक नई वैकेंसी देगी। अगर ऐसा कोई डिटेल्स है तो दीजिए, अगर नहीं है तो यहां पे पूरा डिटेल्स गजेटेड नॉन गजेटेड पोस्ट का हमें दीजिए जोन वाइज। इसके बाद, वेदर द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड एनी मेजर्स टू एक्सपीडाइट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड इंश्योर टाइमली अपॉइंटमेंट। क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा इंप्लीमेंट की है रूल की जिससे कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस हो एकदम बिल्कुल फास्ट तरीके से चले, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में जब भर्ती आती है करीब करीब पंचवर्षीय योजना लग जाती है, 5 साल तो लगा ही देते हैं सबका ज्वाइनिंग प्रोसेस कराते कराते। तो कोई रिक्रूटमेंट को तेजी लाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाया गया है टाइमली अपॉइंटमेंट देने के लिए, अगर ऐसा है तो इसके बारे में बताइए। वेदर द इनएबिलिटी टू फिल द पोस्ट हैज लेड टू एम्प्लॉइज वर्किंग ओवर टाइम अप टू 16 आवर्स एट द स्ट्रेच विदाउट रेस्ट एंड फूड, इफ सो। क्या यहाँ पे इतने कम पोस्ट हैं रेलवे में, काफी सारे पोस्ट वैकेंट है, तो दूसरे इंप्लॉय जो काम कर रहे हैं क्या उनको ओवर टाइम वर्क करना पड़ रहा है 16-16 घंटे तक बिना रेस्ट के बिना खाना के, ऐसा कुछ है तो उसका जवाब दीजिए। वेदर द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक चैलेंजेस इन द रिक्रूटमेंट टू वैकेंट पोस्ट एंड इफ सो, कोई चैलेंज यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को ये सब खाली पोस्ट है उसको भरने के लिए, कुछ ऐसे हैं तो इसके बारे में बताइए। द नंबर ऑफ इंप्लॉई इंगेज्ड बाय द रेलवे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल में कितना कॉन्ट्रैक्ट पे रेलवे ने भर्तियां कराए हैं उन सभी इंप्लॉई का ब्यौरा दीजिए। इसके बाद, वेदर परमानेंट रेलवे पर्सनल आर मोर रेस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टुवर्ड्स दियर ड्यूटीज इन कंपैरिजन टू द कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ विच अफेक्ट द रेलवे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफी अच्छा सवाल है कि जो यहाँ पे रेलवे के रेगुलर इंप्लॉई हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां हो रही है, क्या परमानेंट जो इंप्लॉई है वो ज्यादा बेहतर है, वो काम कर रहे हैं अकाउंटेबल है अपने वर्क को लेकर कि कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं वही सब काम कर रहे हैं ज्यादा ठीक से, तो इसका भी ब्यौरा मांगा है। अब देखिए काफी अच्छे सवाल पूछे गए दोस्तों और इनका जवाब इनको देना भी था सही तरीके से, लेकिन देखिए क्या क्या जवाब इन्होंने दिया है। पहला तो ए से लेके एफ तक पूरा क्वेश्चन को स्किप किए और एक ही बार इन्होंने जवाब दिया। देखिए ए से एफ तक जो सवाल पूछे गए हैं, देखिए फ्रेंड्स यहां तक के क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन है लेकिन सिर्फ एक जवाब इनका मिला है जिसमें बोले गए हैं द डिटेल्स ऑफ टोटल वैकेंसी जोन वाइज इन रेलवे 1/7/2023 यानी लेटेस्ट है कि 1 जुलाई तक कितने पोस्ट वैकेंट है इसका जवाब इन्होंने दिया है। इसमें सेंट्रल रेलवे से बोला जाए तो गजेटेड में 103 पोस्ट वैकेंट है और नॉन गजेटेड ग्रुप सी में, देखिए ध्यान दीजिएगा इसी पोस्ट का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं छात्र जो कि नॉन गजेटेड ग्रुप सी में आते हैं, और इसमें आपका आ गया ALP का पोस्ट नॉर्मल वाली जो सभी छात्र के लिए आएंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली, टेक्नीशियन का वेरियस कैटेगरी का पोस्ट आ गया, जूनियर इंजीनियर का वेरियस पोस्ट आ गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का CMA DMS CDMS
CDMS, ये सारे पोस्ट आ गए आपके। इसके बाद इसी में RPF SI कांस्टेबल का पोस्ट आ गया, इसी में आपका दोस्तों NTPC का जो नई वाली भर्ती आने वाली है उसका आ गया, इसी में आपके ग्रुप डी की जो नई वाली पोस्ट क्रिएट हुई है उसमें आपके यहाँ पे नई भर्ती आएंगी, वो सारे आ गए। तो क्योंकि ग्रुप डी को भी ग्रुप सी का दर्जा अभी दिया गया है, तो मेनली इसी का वेट चलता है। गजेटेड में तो ग्रुप बी और ग्रुप ए के अधिकारी का ही सिलेक्शन इसमें होता है, तो नॉर्मल छात्र तो इसमें जा ही नहीं सकते। तो देखिए सेंट्रल रेलवे से 25,000 पोस्ट वैकेंट है दोस्तों आपके सारे कैटेगरी को मिलाकर। ईस्ट कोस्टल में भुवनेश्वर से 8,114, ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना जोन से 12,812 पोस्ट वैकेंट, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 29,869 पोस्ट वैकेंट, यहाँ पे मेट्रो रेलवे कोलकाता में 993, NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे अलाहाबाद में 15,962 पोस्ट खाली है। इसके बाद NER गोरखपुर जोन में 12,830 पोस्ट खाली है, NFR नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में 12,365 पोस्ट खाली है, और ये बिल्कुल खाली पोस्ट है फ्रेंड्स, वैकेंट वाली है। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली में 32,468 पोस्ट खाली है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन में 9,913 पोस्ट खाली है 9,000 के आसपास, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन में 10,338 पोस्ट यहाँ पे खाली है। इसके बाद देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन में 7,796 पोस्ट खाली है, साउथ ईस्टर्न रेलवे रांची या फिर कोलकाता जोन में देखा है तो 13,432 पोस्ट खाली है, साउदर्न रेलवे चेन्नई में 15,240 पोस्ट खाली, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन में 4,843 पोस्ट खाली, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर या फिर भोपाल जोन का लें तो यहाँ पे 11,142 पोस्ट खाली, और वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद या फिर मुंबई जोन बात कर लें तो यहाँ पे 25,597 पोस्ट खाली। यानी देखा जाए तो प्रोडक्शन यूनिट में अलग से यहाँ पे आती है, तो प्रोडक्शन यूनिट में अकेले सारे प्रोडक्शन यूनिट को मिला के 12,338 पोस्ट वैकेंट, और यहाँ पे गजेटेड वाली है ग्रुप बी ग्रुप ए वाली, तो टोटल ग्रुप ए ग्रुप बी वाली देखा है तो 2,680 पोस्ट वैकेंट, जो कि इतना खाली होनी नहीं चाहिए, खास करके इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी रहती है सारे इंप्लॉय को सब कुछ यहाँ पे सुपरवाइज और सब कुछ करना। और देखिए इतने सारे तो गजेटेड पोस्ट बी और ए के ही खाली है रेलवे में, और ऊपर से देखा जाए तो नॉर्मल छात्र वेट कर रहे हैं वैकेंसी का। देख लीजिए यहाँ पे 261,233 पोस्ट दोस्तों यहाँ पे, खास करके ग्रुप सी वाली, ELP टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, SSE, पैरामेडिकल कैटेगरी, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, NTPC, ग्रुप डी, सारे पोस्ट मिलाकर इतना सारा पोस्ट अभी रेलवे में खाली है। इसी में देखिए इन्होंने बताया है द वैकेंसी ऑफ ऑपरेशनल सेफ्टी कैटेगरी आर 53,178, यानी कि सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट इसमें से 53,178 है। सेफ्टी कैटेगरी में असिस्टेंट लोको पायलट आता है, जो कि इसकी पोस्ट काफी ज्यादा है, इसी में टेक्नीशियन के कई सारे पोस्ट आते हैं, इसी में इंक्लूड हो गया, इसी में जूनियर इंजीनियर के कई सारे पोस्ट आते हैं, इसी में इंक्लूड हो गया वो भी, कुछ यहाँ पे ग्रुप डी के पोस्ट होते हैं दोस्तों सेफ्टी कैटेगरी में, कुछ NTPC के पोस्ट होते हैं सेफ्टी कैटेगरी में, जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ऐसा पोस्ट तो इसी में इंक्लूड हो गया। तो यानी कह लें तो सेफ्टी कैटेगरी का 53,178 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। अब जो सवाल पूछा गया था कि आखिर भर्ती को भरने के लिए क्या करे रेलवे, कब तक यहां पे भरेगी और क्या टाइमलाइन है, कोई टाइमलाइन फिक्स किया है, तो देखिए इसका जवाब कैसे इन्होंने दिए हैं। अक्रेंस एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी आर कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इंडियन रेलवे कंसीडरिंग इट्स साइज, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रिटिकली ऑफ ऑपरेशन, यानी फिर से वही घिसा पीटा जवाब ये लोग दे रहे हैं कि जो यहां पे भर्ती क्रिएट होना, जो पोस्ट को भरना, ये सब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि कब तक इनका सतत प्रक्रिया चलता रहेगा। 2019 में लास्ट भर्ती आई थी, उसी को लगातार कंटिन्यूअस ये लोग करवाते आ रहे हैं, और 5 साल करीब हो चुके हैं और इतने सारे पोस्ट वैकेंट हैं, अभी भी इनकी नजर नहीं खुल रही है कि आखिर इतने सारे पोस्ट वैकेंट होकर कैसे रेलवे सुचारू ढंग से चल रही है और क्या रिक्रूटमेंट की जरूरत है या फिर नहीं है। देख लीजिए आप लोग, डेटा खुद ये लोग देते हैं कि इतने सारे हमारे पोस्ट वैकेंट है, तो आखिर इतने पोस्ट वैकेंट है तो कैसे यहां पे ये लोग श्योर हो सकते हैं कि अच्छे तरीके से ही रेलवे चल रही है, क्यों नहीं यहाँ पे कहा जा सकता है कि ओवर टाइम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि इतने इतने पोस्ट ही वैकेंट है इसमें, खास करके जिसपे रिक्रूटमेंट करानी चाहिए थी, और अभी भी यहाँ पे यही जवाब दिए जा रहे हैं 2023 के अगस्त तक भी कि जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, जिस जोन में जितनी जरूरत पड़ेगी, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वैकेंसी का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे भर्तियां कराएंगे। द वैकेंसीज आर फिल्ड अप ऑन प्राइमरली बाय प्लेसमेंट ऑफ इंडेट बाय रेलवे विद रिक्रूटमेंट एजेंसी एज पर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, यानी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे जोनर रेलवे हमें इंडेंट पेस्ट करेगा, और इंडेंट यानी इंडेंट कहने का मतलब वैकेंसी अपने अपने जोन की डिटेल भेजेगा, और उसको देखते हुए रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा हम लोग यहाँ पे भर्तियां कराएंगे। तो आखिर भर्तियां कराएंगे ये प्रोसेस ही क्यों लगातार बताया जाता है, भर्तियां कराएंगे कब, इसका जवाब कौन देगा कि आखिर ये भर्तियां कराएंगे कब, तो सिर्फ प्रोसेस बताया जाता है कि इस प्रकार से हम लोग कराएंगे। आप ऑर्डर दीजिए नीचे वाले जोन को कि आखिर जब आपने GDC की भर्तियां करा रहे हो, ऑर्डर देकर के कि आप जोन सारे वैकेंसी दीजिए और भर्तियां कराइए, और जो यहां पे प्रमोशनल कोटे की भर्तियां काफी सारी पोस्ट वैकेंट थी उसका ऑर्डर रेलवे मंत्रालय ने दिया कि जल्दी से पूरा डिटेल दीजिए और जल्दी से जल्दी टाइम बाउंड मैनर में यहां पे प्रमोशनल कोटे की भर्तियां को भरिए, तो उसी तरह से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाली वैकेंसी है इसकी ऑर्डर रेलवे मंत्रालय क्यों नहीं दे रही है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। आप ऑर्डर दीजिए तभी तो नीचे से जोनल रेलवे और डिवीजन वाले लोग यहां पे अपने अपने जोन की जो भी पोस्ट वैकेंट होगी उसका ब्यौरा यहां पे आपको देंगे, इंडेंट
प्रेस करेंगे और इंडेट जम जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैकेंसी निकालिए, रिक्रूटमेंट निकालिए नई वाली। तो यही चीजें हैं फ्रेंड्स, देख सकते हो कि कैसे कैसे यहाँ पे घुमा फिरा के वही सवाल के जवाब ये लोग दिए जा रहे हैं अभी तक भी। बाकी बात करें ए ग्रुप के सर्विस के बारे में गजेटेड में, तो वो बोला गया है कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। और ये भी दोस्तों समझिए कि फरवरी में ही आने वाला था नोटिफिकेशन यूपीएससी के जरिए आईआरएमएस के थ्रू, वो भी दोस्तों रिक्रूटमेंट नहीं दी और वो भी कैंसिल एक तरह से अभी माना जा रहा है। तो समझिए, देखिए इतने सारे ए ग्रुप के पोस्ट भी ये लोग खाली रखे हैं। अब इसके बाद देखिए इन्होंने क्या क्या जवाब दिया है। और ए मैसिव रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली फॉर इंपैनलिंग 1,39,050 कैंडिडेट बाय कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी अप्रोक्सीमेटली 2.37 करोड़ कैंडिडेट। अब ये बखान कर रहे हैं प्रीवियस वाली भर्ती का, एनटीपीसी का और आरआरसी ग्रुप डी का, जिसमें बोल रहे हैं कि इतने आवेदन आए थे और 1,39,000 हम लोगों ने रिक्रूटमेंट यहाँ पे कंप्लीट करा लिया है, ये एनटीपीसी ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी को मिला करके ये बोला जा रहा है। जबकि भर्तियां तो कराए हैं लेकिन ज्वाइनिंग कितने को दिए हैं ये तो पता ही नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, क्योंकि अंदर अंदर चल क्या रहा है, लोगों को बोला जा रहा है कि वैकेंसी नहीं है तो ये नहीं है, 4 साल बाद 5 साल बाद, तो इसका संज्ञान कौन लेगा और उस पर कार्रवाई कौन करेगा, जो डिवीजन ऐसे कर रहे हैं और लोगों के जो करियर हैं उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सब तो नीचे क्या चल रहे हैं ये तो पता ही नहीं है, और ऊपर डेटा बस पेश किया जा रहा है कि इतना हम लोगों ने इंपैनल कर लिया है। आगे देख लीजिए सीबीटी फॉर सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, देखिए 1/2019 एनटीपीसी हो गया जिसमें 1.26 के आसपास यहां पे आए थे आवेदन, और 133 शिफ्ट में 68 दिनों में एग्जाम कंडक्ट कराया गया 211। बस वही प्रीवियस वाले जो चीजें हैं उसको यहाँ पे बस ब्यौरा दे रहे हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे कराएं, इतना ग्रुप डी में इतना एनटीपीसी में कराएं। और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जो ब्यौरा मांगा गया था उसका डिटेल इन्होंने दिया है कि देखिए 5 साल में कितना कॉन्ट्रैक्ट पे लोग भर्तियां कराई है। थोड़ा सा ध्यान आप लोग दीजिएगा, इसमें भी आपकी आंखें खुलेंगी। देखिए सबसे पहले तो सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से बात करें तो 2018 में 441 कॉन्ट्रैक्ट पे कराए हैं, 19 में 660, 2020 में 645, 21 में 468, 22 में 490, इतने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्तियां कराएं। ईस्ट कोस्टल में भुवनेश्वर में इतना कराए हैं, ये डेटा चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, बहुत ज्यादा संख्या है। सारे जोन को मिला दिया जाए तब तो काफी ज्यादा संख्या है जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये लोग करा रहे हैं भर्तियां। अब नेक्स्ट देखिए एक और सवाल यहाँ पे पूछे गए थे राज्यसभा में, जो कि अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1075 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इसका भी जवाब इन्होंने दिया है। वैकेंट पोस्ट इन रेलवे, यानी रेलवे में कितनी वैकेंट पोस्ट है इसका ब्यौरा दीजिए, जिसमें सबसे पहले पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ नॉन गजेटेड पोस्ट वैकेंट इन इंडिया रेलवे एज ऑन 31 मार्च 2023 पोस्ट वाइज एंड जोन वाइज इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ वैकेंसी फॉर एससी एसटी कैटेगरी आउट ऑफ दिस वैकेंसी, यानी जितनी भी पोस्ट वैकेंट है रेलवे में 31 मार्च 2023 तक उसका पूरा ब्यौरा दीजिए, और खास करके एससी एसटी कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट वैकेंट है उसका ब्यौरा दीजिए। सेकंड है स्टेप बीइंग टेकन बाय गवर्नमेंट टू फिल अप नॉन गजेटेड वैकेंट पोस्ट इन रेलवे एंड नंबर ऑफ पोस्ट बिलोंगिंग टू एससी एसटी कैटेगरी लाइंग वैकेंट आउट ऑफ दिस टोटल वैकेंसी, क्या रेलवे ने यहां पे स्टेप लिया है इन सभी खाली पदों को भरने के लिए, और खास करके एससी एसटी में कितनी पोस्ट वैकेंट है इसके बारे में बताइए। बाय व्हेन गवर्नमेंट प्रपोज टू फिल अप दीज पोस्ट एंड इफ नॉट रीजन देयर फॉर, यहाँ पे यही पूछा गया है कि आखिर कब तक गवर्नमेंट इस पोस्ट को भरने की कोशिश करेगी। देखिए सवाल इस बार काफी अच्छे किए गए फ्रेंड्स, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, ये तो बाज आएंगे नहीं अपने आदत से जैसे ये लोग रिटर्न रिप्लाई दिए जा रहे हैं। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि आखिर कब तक भर्तियां को भरोगे, इतने इतने पोस्ट वैकेंट है तो, और डेटा भी देते हैं कि इतनी इतनी पोस्ट हमारी वैकेंट है, तो सीधा जवाब देनी चाहिए कि हाँ इस डेट तक इस टाइमलाइन तक हम लोग भर्तियां भरेंगे या फिर रिक्रूटमेंट नई वाली निकालेंगे, जिससे कि लोगों के बीच में भी एक रहे, तैयारी कर रहे हैं छात्र उनके अंदर भी थोड़ा मोटिवेशन रहे, लेकिन कुछ ऐसा जवाब देते नहीं है। तो ये भी सीधा सा ही सवाल पूछा गया था। अब देखिए यहां पे एक और सवाल पूछा गया, वेदर इट इज अ फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द पोस्ट रिलेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन रेलवे आर वैकेंट, क्या ये सही है कि ज्यादातर सेफ्टी कैटेगरी वाली पोस्ट खाली है और सिक्योरिटी वाली पोस्ट खाली है, ऐसा है तो इसका जवाब दीजिए। तो देखिए इन्होंने जो जवाब दिया है रेलवे मंत्रालय के द्वारा श्री अश्विनी वैष्णव रिटर्न रिप्लाई, जिसमें पहला जवाब इन्होंने दिया है दोस्तों ए से डी तक का जो क्वेश्चन था उसका जवाब, अकरेंस एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसी आर कंटिन्यूअस प्रोसेस, फिर वही बोल रहे हैं कि वैकेंसी को भरना, वैकेंसी खाली होना और वैकेंसी क्रिएट होना और वैकेंसी को भरना एक सतत प्रक्रिया रेलवे में है, एंड द लेटर आर फिल्ड बाई प्लेसमेंट ऑफ इंडेंट बाई रेलवे विथ रिक्रूटमेंट एजेंसी एज पर ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, और जैसा ऐसा हमें जरूरत पड़ेगी उस तरह से हम लोग यहाँ पे इंडेंट निकाल करके रेलवे के द्वारा जो इंडेंट भेजा जाएगा जो वैकेंसी का ब्यौरा हर जोन में, तब हम लोग रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराएंगे, लेकिन कब कराएंगे इसका जवाब यहां भी मिसिंग है। नेक्स्ट है 486,031 कैंडिडेट हैव बीन इंपैनल्ड इन द 9-year पीरियड फ्रॉम 1/4/2014 से लेकर 30/6/2023, देखिए किसका टाइम पीरियड बताया जा रहा है, 2014 से लेकर 2023 तक के बारे में बताया जा रहा है इस 9 साल के बीच में कि कितना ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने रिक्रूटमेंट कराई है रेलवे में, और 486,000 के आसपास ये लोग ब्यौरा ऐसे करके दे रहे हैं। और आउट ऑफ द टोटल वैकेंसी बोला जा रहा है, इसमें से जो टोटल वैकेंसी
2,61,233 एज ऑन 1/7/2023 द वैकेंसी ऑफ ऑपरेशनल सेफ्टी कैटेगरी आर इतना। इसमें से बोला जा रहा है कि इतना सारा पोस्ट है जो कि रेलवे में अभी खाली है, इतना वैकेंट है। अब देखिए ये पोस्ट दोस्तों 3.11 लाख के आसपास थी, लेकिन कुछ कुछ रिक्रूटमेंट ये लोग करा रहे हैं ऑपरेशनल, जो प्रमोशनल कोटे से करा रहे हैं, जो GDC के भर्ती से करा रहे हैं, तो वो सारी सीटें तो भरते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे घट करके देखिए कि 2,61,000 के आसपास अभी पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है और ये पोस्ट दोस्तों 1/7/2023 तक खाली है। और इसी पोस्ट में से सेफ्टी कैटेगरी की 53,178 पोस्ट खाली बताई जा रही है। अब 53,178 है तो सेफ्टी कैटेगरी में ALP भी आ गया, टेक्नीशियन भी आ गया, कई सारा पोस्ट, जूनियर इंजीनियर के कई सारे पोस्ट आ गए, NTPC के कई सारे पोस्ट आ गए, ग्रुप डी के कई सारे पोस्ट आ गए जो कि सेफ्टी में आते हैं। तो इसी 53 में देखिए इतने सारे जो वैकेंसी है उसमें से आपके 53,000 सेफ्टी कैटेगरी के आते हैं और बाकी नॉन सेफ्टी कैटेगरी में चला जाएगा, जो कि 2.61 टोटल है सेफ्टी प्लस नॉन सेफ्टी मिला करके। तो यही वैकेंट है जो कि इतना पोस्ट खाली है, लेकिन कब तक भरा जाएगा इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है, आज भी नहीं। इसके बाद SC ST के बारे में डिटेल्स इन्होंने बताया है और बाकी सारे प्रोसेस फिर से वही दोहरा रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट कराया है, ऐसे ऐसे करके पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि NTPC का कराया इतने 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 सेंटर पे इतने लैंग्वेजेज में, बस वही प्रीवियस का बखाने लोग किए जा रहे हैं, इतने सिटीज में कराए हैं। और बाकी जो ब्यौरा दिया गया यहां पे खास करके SC ST का कि कितना वैकेंट पोस्ट है SC ST में, तो देख लीजिए सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से ST का वैकेंसी 2176 है, ST का वैकेंसी 2059 है, इतना खाली है कैटेगरी वाइज। ईस्ट कोस्ट रेलवे से 1309 वैकेंसी, 851 वैकेंसी ST का। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में ST का वैकेंसी है 1303 और ST की वैकेंसी है 915। ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में 2186 ST का है, ST का 2597। अब जिसका ब्यौरा पूछा गया था वही जवाब दिए गए, इसमें से UR का भी पूछ लिया जाता, OBC का पूछ लिया जाता, EWS के भी पूछ लिया जाते तो और बेटर रहता कि हर कैटेगरी का ये लोग बता देते, लेकिन जो SC ST का पूछा गया तो सिर्फ SC ST का ही ये लोग जवाब दिए हैं। मेट्रो रेलवे में देखिए इतना SC का, इतना ST का। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यहाँ पे इलाहाबाद में इतना SC, इतना ST का, इस तरह से जो जवाब है। इसके बाद और सारे वैकेंसी का डिटेल SC ST वाले कैटेगरी वाले छात्र हैं जो कि यहाँ पे एक तरह से देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि वैकेंसी तो काफी खाली है दोस्तों, ये देखने में भी लग रही है। और ऐसे देख रहे हैं 29,386 SC का टोटल वैकेंसी खाली है हर जोन को मिला करके और ST का 17,913 है। लेकिन सबसे बड़ा तो यही सवाल है ना कि आखिर ये भर्तियां भरेंगे कब और न्यू रिक्रूटमेंट आखिर निकाल क्यों नहीं रहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वाला के, जो यहाँ पे इतना सारा इंतजार चल रहा है, इतना लगातार इंतजार कर रहा है पिछले 5 साल से। छात्र यहाँ पे पढ़ते पढ़ते परेशान हो चुके हैं, तैयारी करते करते कई जगह पे परेशान हो चुके हैं, तो ये सब चीज तो दिखता नहीं है। कई सारे छात्र का एज भी निकलते जा रहा है और एज में ये लोग ज्यादा कुछ चेंजेस करते नहीं है, तो समझिए कि कई सारे छात्र तो बिल्कुल जब भर्तियां आएगी उस समय यहाँ पे भर ही नहीं सकते, तो जिम्मेदार तो पूरा रेलवे इसका होगी। तो आखिर ऐसे कब तक चलते रहेगा बताइए, यहाँ पे इतना सारा पोस्ट वैकेंट रह सकता है और भर्तियां कराने का कोई नाम यहाँ पे रेलवे ले ही नहीं रही है और बस वही घुमा फिरा के यही सब चीजें जवाब है जो कि यहाँ पे दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोग। और देखिए होप कि यहाँ पे जो प्रमोशनल कोटे की भर्तियां लोग करा रहे हैं, GDC के करा रहे हैं और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वैकेंसी का डिटेल भी मांगे हैं, तो हो सकता है कि ये सब भर्तियां करा के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की यहाँ पे भर्तियां दें। और ऊपर से दोस्तों इलेक्शन भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है जो कि यहाँ पे इलेक्शन का भेंट तो चढ़ेगी ही, जैसा कि मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सभी को भी पता है। तो हो सकता है कि इलेक्शन के पहले पहले तक यहाँ पे लास्ट 2023 के आसपास नवंबर दिसंबर के आसपास भर्तियां लार्ज अमाउंट में देखने को मिले और हर कैटेगरी की देखने को मिलेगी। ये क्लियर रही है कि हर कैटेगरी का पोस्ट खाली है, ALP का तो खाली है, टेक्नीशियन का खाली है, JEE का खाली है। इसके बाद आप लोग SI कांस्टेबल वाली जो खाली है फ्रेंड्स, RPF वाली वो तो खाली है, 10,000 से ऊपर ही हो जाएगी उसकी पोस्ट। NTPC की आपकी भर्तियां आएगी नई वाली कंफर्म। इसी तरह से ग्रुप डी की तो पक्का आने वाली है, क्योंकि हमेशा से जितनी भी पोस्ट खाली है उसमें सबसे ज्यादा ग्रुप डी की ही पोस्ट रहती है फ्रेंड्स। और मिनिस्ट्रियल कैटेगरी का भी कुछ देखने को मिलेगा नॉन सेफ्टी कैटेगरी में, पैरामेडिकल कैटेगरी का भी मस्ट है, इसका भी पोस्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाले भी, जिसका पिछले 5 से 7 साल तक भर्तियां नहीं हुई थी, तो इसका भी यहां पे भर्ती का आदेश मिला है, तो SSE वाली भी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो होप कि जल्द से जल्द भर्तियां आई, बाकी इसके ऊपर क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। वीडियो को जरूर आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।